हेलो गाइस, मैं पिछले 6 महीने से डिजिटेक का वायरलेस माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ और आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ। इसके साथ आपको क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है और इसका रेंज कितना है। कैमरे के साथ मेरा जो है रिसीवर अटैच किया हुआ है और एक रिसीवर एक ट्रांसमीटर मेरे हाथ में है और दूसरा ट्रांसमीटर मेरे बॉक्स के अंदर है। इसके साथ दो दो ट्रांसमीटर मिलता है। मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, मतलब अनबॉक्स तो मैंने पहले ही कर रखा है, लेकिन दोबारा से आपको जो है सारा एक्सेसरीज के साथ एक बार दोबारा से मुलाकात करवा देता हूँ। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास है डिजिटेक का वायरलेस माइक्रोफोन और इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चार्जर का केबल मिल जाता है, कोई भी एडाप्टर आपको नहीं मिलता है। इसके मदद से आप दो दो ट्रांसमीटर को एक साथ चार्ज कर सकते हो। आप देख सकते हो इन दोनों को एक साथ आप चार्ज में लगा सकते हो, दोनों को आप एक साथ कनेक्ट कर लो और आपका जो कोई भी एडाप्टर हो, आपका स्मार्टफोन का एडाप्टर हो या फिर आप अलग से कोई भी एडाप्टर खरीद सकते हो चार्ज करने के लिए, दोनों को एक साथ चार्ज कर सकते हो। उसके बाद इसको आपको अलग से चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपने रिसीवर को एक बार चार्ज कर लिया तो ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता है। ट्रांसमीटर लोग बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है क्योंकि इसमें इसके अंदर लगा है कॉन्डेंसर और आपका जो नॉइस कैंसिलेशन का काम, इको का काम, सब कुछ ये दोनों करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डाटा को कंज्यूम करते हैं और कैमरा के अंदर इनपुट करते हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा जो है चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यूजुअली इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक जो है डाटा केबल मिल जाता है, इसकी मदद से आप चार्ज कर सकते हो। उसके बाद आपको तीन तीन केबल मिल जाता है कैमरा या फिर स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है लेबलिंग किया गया है फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर कैमरा के साथ कनेक्ट करने के लिए और यहाँ पर टाइप सी टू टाइप सी कोई भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए। इसकी मदद से आप जो है किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट कैसे कर सकते हो मैं आपको वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो एक्सेसरीज दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको दो दो पाउच मिल जाता है, इसको आपको दो दो क्यों मिलता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास दो दो ट्रांसमीटर है। यहाँ पर आपको इस यहाँ पर इसे लगा देना है, अगर हवा बहुत तेज़ चलता है तो आपको यहाँ पर इसको लगा देना है तो हवा से थोड़ा सा जो है ये अटक जाएगा हवा, आपका जो है साउंड क्वालिटी थोड़ा सा बेटर आ सकता है। लेकिन मैं इसको यूजुअली इस्तेमाल नहीं करता, मैं घर के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और क्रिस्टल क्लियर वॉइस रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर आपको इको का भी ऑप्शन मिल जाता है, नॉइस रिडक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है और आपको यहाँ पर एक एयरफोन भी मिलता है। एयरफोन का काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एयरफोन की मदद से आप लाइव सुन सकते हो आपका वॉइस किस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। आपको जो है किस तरीके से इस्तेमाल करना मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसमीटर में आपको एयरफोन लगा देना है और आपको इसको अपने कॉलर पे लगा देना है और एयरफोन लगा देना है अपने कान पे। उसके बाद जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड होगा वो आपको लाइव सुनाई देगा और आप समझ सकते हो आपका जो रिकॉर्ड हो रहा है, आपका जो वॉइस किस तरीके का रिकॉर्ड हो रहा है, क्वालिटी कितना आ रहा है, उसी सेम उसी के हिसाब से आपके रिसीवर में भी वो साउंड चला जाएगा और आपके कैमरा के अंदर भी चला जाएगा और कैमरा उसको रिकॉर्ड कर लेगा, अपने वीडियोज़ के साथ कंबाइन कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ पेपर्स मिल जाते हैं जो कि कोई काम की चीज़ नहीं होता है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मैं इनको ओपन कर लेता हूँ, दोबारा से इसको रखना पड़ेगा बक्से के अंदर, बाद में रख दूंगा। अभी मैं आपको इसको कैमरा के साथ कनेक्ट करके इसका साउंड क्वालिटी और कितना डिस्टेंस से काम करता है वो भी चेक करके बताऊंगा। सबसे पहले इसको कनेक्ट करने के लिए एक रिसीवर को आपको पकड़ना पड़ेगा और कैमरा के साथ कनेक्ट करने के लिए कैमरा वाला केबल लेना पड़ेगा। इस तरीके से कैमरा के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले कैमरा का जो कोई भी पोर्ट आपको मिल जाएगा, 3.5 mm जैक आपको मिल जाता है कैमरे के साथ, इसको आपको ऐसे इंसर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक क्लिप मिल जाता है जो आपको कैमरे के ऊपर माउंट पे लगा देना है, आपका जो कैमरे का जो फ्लैश का माउंट होता है वहाँ पर आपको लगा देना है। इस तरीके से इजीली ये फिट हो जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। आप इसको इस तरीके से सेल्फी भी ले सकते हो, अगर आप कैमरे को मतलब ट्राइपॉड में रखोगे, स्टिक में रखोगे, तो आप खुद का भी वीडियो निकाल सकते हो। इसको सिर्फ और सिर्फ ऑन करना है, ऐसे ऊपर एक बटन है और इसका नीचे एक बटन है, इस तरीके से इसको दोनों एक साथ मतलब ऑन हो गया, दोनों एक साथ कनेक्ट भी हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्ट हो गया आपस में। और यहाँ पर एक आपको एक बटन मिलता है, इस बटन को अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका जो है नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा और अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपका इको भी ऑन हो जाएगा। इको यहाँ पर ऑन करने से बहुत ज़्यादा इरीटेट करता है साउंड, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन है और आपका जो साउंड है वो क्रिस्टल क्लियर आएगा अभी। और इसको मैं अभी बाहर लेके चलता हूँ पूरा सेटअप को, और बाहर जा रहा हूँ तो इसको भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा सुंदर दिखेगा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा भी हो सकता है। इस तरीके से इसको मैं कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी मेरे कैमरा को अभी स्टैंड पे लगाना पड़ेगा और इसको मैं कॉलर पे लगाना पड़ेगा, बाहर जाते हैं।
गाइज आप देख सकते हो मैं यहाँ पर तकरीबन 2 मीटर दूर खड़ा हूँ और मेरे हाथ में डिजिटेक का वायरलेस माइक्रोफोन भी है और मेरा जो रिसीवर है वो कैमरा के अंदर लगा है। कैमरा यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू है। आप देख सकते हो किस तरीके का साउंड क्वालिटी आ रहा है विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन। अभी मैं नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन कर दिया है और आप चेक कर सकते हो किस तरीके से बैकग्राउंड नॉइज़ को इसने रिमूव कर दिया। अभी मैं पीछे जाता हूँ और देखते हैं कि कितना दूर तक ये काम करता है और मैं जाता रहता हूँ, ठीक है ना। आप मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना दूर से ये काम करेगा। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर लगभग 50 मीटर दूर खड़ा हूँ और अभी आप चेक कर सकते हो इसका जो क्वालिटी है वो किस तरीके का है। और अभी मैं अपना जो है डायरेक्शन को चेंज करूँगा, आप देखना कि इसका जो है साउंड क्वालिटी आता है या फिर नहीं। अभी कैमरा मेरे से पीछे है और अभी मुझे नहीं पता कि किस तरीके का साउंड क्वालिटी आ रहा है और मैंने इससे पहले इतना दूर टेस्ट भी नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप के अंदर रूम के अंदर टेस्ट किया। मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से, और आई होप इससे भी ज़्यादा दूर से कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करेगा। ज़्यादा मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अभी पास आ जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि किस तरीके का क्वालिटी आ रहा है और डिस्टेंस भी थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है कितना डिस्टेंस है। मैं पहले की लोकेशन में आ जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितना ज़्यादा जो है इसका रिकॉर्डिंग क्रिस्टल एंड क्लियर आता है। अभी मैं आ चुका हूँ कैमरा के बिल्कुल सामने। हाँ अभी मैं कैमरा के फोकस में आ चुका हूँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर 2 मीटर दूरी में खड़ा हूँ और अभी इसका आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका प्राइस है 4,399 रुपये। मैंने ख़रीदा था, इसके साथ दो दो ट्रांसमीटर मिलता है, बहुत अच्छा है और प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है गाइस। वायरलेस माइक अगर आप कोई भी ख़रीदना चाहते हो ना, 30,000 तक का भी आता है, लेकिन उससे भी क्वालिटी मुझे इसका बेटर लगा। यूजुअली गाइस इस तरीके का माइक को परचेस करने के लिए कोई भी दूसरा ब्रांड का तो 30-40 हज़ार रुपया लगता है, लेकिन डिजिटेक ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपये में। मतलब लगभग औसम आप बोल सकते हो इसको। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। मिलता है अगले वीडियो पर। टेक केयर, बाय।